साथियों, जय जोहार, जय आदिवासी। अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का स्टेटमेंट आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नियम पारित किया जाए और उसको आदिवासियों पर लागू नहीं होगा, यानी आदिवासियों को उससे बाहर रखा जाए। इस तरह के स्टेटमेंट किए जा रहे हैं और आरएसएस और बीजेपी के नियंत्रण में अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, उनसे भी स्टेटमेंट दिलाया जा रहा है। जैसे अखिल भारतीय आदिवासी, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, ऐसे आदिवासियों के संगठन उन्हीं के नियंत्रण निर्देशन में काम कर रहे हैं और उनसे भी स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है। और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने अभी चरणबद्ध आंदोलन किया था, उसका विरोध भी उन्होंने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से करवाया था। तो ये जो स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं, ये आदिवासियों को गुमराह करने का मामला है कि एक बार अगर कोई कानून बन जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और कानून बनने के बाद में आदिवासियों को यदि उसमें से बाहर रखा जाने का अभी जो बोला जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और उसको कि भारत में रहने वाले लोग सब समान हैं, उनको समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, आदिवासियों को क्यों छोड़ा जा रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवा लिया जाएगा। तो हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में हमने चरणबद्ध आंदोलन चलाए हैं, विभिन्न आदिवासियों को मुद्दे के लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाए हैं। हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कानून बनता है, हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इसके विरोध में है, और उसके बाद भी अगर सरकार इसको कानून बना कर लागू करना चाहेगी तो हम इसके विरोध में फिर से भारत बंद करेंगे। ये आदिवासियों को गुमराह करने का मामला है। ये कोई भी देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है तो किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है, कोई नहीं बच सकते हैं। जो भी बचेंगे उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लोग उसके वहाँ से आदेश करवा लेंगे और सरकार कहेगी हम क्या करें, ये तो कोर्ट का फैसला है। तो ये सिर्फ गुमराह करने का मामला है और नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये लागू करती है, ये कानून बनाते हैं तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पूरे देश में फिर से चरणबद्ध आंदोलन करेगा और भारत बंद करेगा। बस मैं सरकार को ये और आदिवासी समाज के जो गुमराह हो रहे साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि साथियों, ये अभी अभी 27 जुलाई को संसद में नया वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 पास हो चुका है, उसमें आदिवासियों के लिए बहुत डेंजर है। आदिवासियों के जो पांचवी अनुसूची आर्टिकल 244 के तहत जो अधिकार मिले थे वो सब समाप्त कर दिए गए हैं। तो तमाम प्रकार के आदिवासियों के विरोध में षड्यंत्र चल रहे हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है, कानून बनता है, तो आदिवासियों की मूल पहचान खत्म हो जाएगी, उनका कस्टमरी लॉ खत्म हो जाएगा और उसके साथ जुड़े हुए तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार और विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे। अतः मैं इस मौके पर यही बात कहना चाहता हूँ, जय जोहार, जय आदिवासी।